गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे कम्युनिकेशन संप्रेषण के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, अर्थात संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज पहली क्लास में हम सबसे पहले संप्रेषण की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के अर्थ को हम देखें तो ये इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनस से हुई है और इससे तात्पर्य ये पड़ता है, तात्पर्य ये होता है कि कम्युनिकेशन अर्थात कुछ भी बांटना, मतलब कम्युनस अर्थात बांटना। अब बांटने से क्या होगा, बांटना अर्थात सोच को, मनोभाव को, आवश्यकताओं को या इच्छाओं की अभिव्यक्ति करना, उसे बांटना, अनुभव भी हो सकता है। तो वो कुछ भी चीज़ बांटने से तात्पर्य है कि जो श्रोता है और जो वक्ता है दोनों के बीच में एक सामान्य अर्थ स्थापित हो रहा है, इसीलिए इसे हमने कम्युनिकेशन कहा है। तो सम और प्रेषण दोनों, सम प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सम प्रेषण, सम यानी कि एक जैसा, प्रेषण यानी जो हम प्रेषित कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं। तो जो विचार भेजे जा रहे हैं और जो विचार प्राप्त किए जा रहे हैं उसमें एक रसता हो, उसमें समरूपता हो, यही संप्रेषण होता है। और बदलों की परिभाषा को हम देखें तो क्या होता है संप्रेषण, संप्रेषण प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच विचारों की अंतःक्रिया है जिससे परस्पर लाभ हेतु दोनों में समझदारी बढ़ती है। दो चीज़, दो व्यक्ति इस संचार प्रक्रिया के प्रमुख अभिन्न अंग हो जाएंगे। कौन, पहला तो है संप्रेषक। संप्रेषक कौन है, जो कि संदेश का प्रसारण कर रहा है या प्रारंभ कर रहा है, जो ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से मैसेज ओरिजिन हो रहा है। और दूसरा कौन हो जाता है, दूसरा हो जाता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। अब आप उसे प्राप्तकर्ता भी कह सकते हो, रिसीवर भी कह सकते हो, ऑडियंस भी कह सकते हो, श्रोता भी कह सकते हो। सो द रिलेशनशिप जो उन दोनों के बीच का जो एक संवाद है, जो विचारों की अंतःक्रिया है, जो एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, वही संप्रेषण है। अगली परिभाषा देखें तो संप्रेषण में वो सभी तरीके आ जाएंगे जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो बहुत ही खुला हुआ क्षेत्र है संप्रेषण का। हमारे हाव भाव भी इसमें शामिल हैं, हमारी बोली भाषा ये भी उसमें शामिल है, जितने भी तकनीकी विकास की चीज़ें हैं, उपकरण हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाती हैं। फिर अगली परिभाषा देखें, मेयर के अनुसार क्या है संप्रेषण। संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। यानी कि जब विचारों, अब एक व्यक्ति वक्ता क्या सोच रहा है, उसके क्या विचार हैं, उसके क्या पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो जब इसका संप्रेषण, प्रेषण यानी कि इसको भेज रहा है कहाँ, उस दूसरे व्यक्ति तक, तो वो संप्रेषण कहलाएगा। अब ये एक और परिभाषा देखें, संप्रेषण समझ साधनों से होता है जिसको एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। ये वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पार करने वाला पुल है। इसके अंतर्गत कहना, सुनना, समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव लागू रहती है। ब्राउन के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे तक सूचना का हस्तांतरण है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना प्रसारित हो रही है, प्रवाहित हो रही है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या नहीं। मतलब कोई लाउड स्पीकर पे भी अनाउंसमेंट भी हो रहा है तो वो एक प्रकार का संप्रेषण है। कोई टीवी के ऊपर कोई टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो भी संप्रेषण है। तो चाहे उसमें ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता हो या ना हो, वो एक दूसरा पक्ष है, लेकिन मुख्य रूप से संवाद हो रहा है तो संप्रेषण हो रहा है। तो विश्वास उत्पन्न हो या नहीं अथवा विनिमय हो या नहीं, किंतु हस्तांतरण की गई सूचना प्राप्तकर्ता की समझ में आनी चाहिए। हमारा संप्रेषण का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो इंटेंट ऑफ मैसेज है दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। यानी
जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, उसको उस संदेश का मर्म अर्थ समझ में आना चाहिए, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। अगली परिभाषा देखें, न्यूमर और समर के अनुसार संप्रेषण में एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सभाओं या भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो देखिए इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र बहुत ही विशाल है संप्रेषण का, कि हमारे क्योंकि इसमें तथ्य, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सम्मिलित हैं, फिर हमारे आइडियाज़, हमारे विचार सम्मिलित हैं, हमारे थॉट्स, सोच जो हम सोचते हैं वो बातें भी सम्मिलित हैं, सभा में भावनाएं, इमोशंस भी, उसका भी कम्युनिकेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि संप्रेषण केवल बोल के ही किया जाए, आप कुछ बोले बिना भी अपनी मंशा को प्रसारित कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप किसी से मिले, आपने मुस्कुरा, आप उसे मिलके मुस्कुराए, हैंडशेक किया, मिले, नमस्कार किया और आत्मीयता से बातें की, तो आपके जो जेस्चर्स हैं, जेस्चर्स यानी आपके जो हाव भाव हैं, जो आपके शब्द ना भी बोलें तो आपके हाव भाव बता देंगे कि वो व्यक्ति को आप कितना पसंद करते हैं, उससे बात करके आपको कैसा लगा। तो संप्रेषण में यही है कि हमारी भावनाओं का भी आदान प्रदान हो रहा है, कि हम अच्छा किसी से मिलके अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वह हस्तांतरित हो रही हैं भावनाएं, तो हम अपने हाव भाव से भी बता देंगे किसी को कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, वो भी संप्रेषण है। तो ज़रूरी नहीं है कि संप्रेषण शब्दों के द्वारा ही हो, बिना शब्दों के भी हाव भावों से अभिव्यक्ति हो सकती है, और उसे कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एक हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हम शब्दों को इस्तेमाल करें, भाषा को इस्तेमाल करें और फिर संप्रेषण कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो क्या होगा, जो गैर मौखिक होगा, वर्बल यानी मौखिक, नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक। गैर मौखिक से क्या तात्पर्य है, अब आप खड़े कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपके फेस के हाव भाव कैसे हैं, आपकी चाल कैसी है, या आप किसी को देख के आपने चिढ़ के मुंह बनाया तो वो एक्सप्रेशन मिल गया ना, उस एक्सप्रेशन से आइडिया लग गया अगले को कि आपके क्या विचार हैं उसके बारे में, तो ये भी एक प्रकार का संप्रेषण हो गया। फिर अगली परिभाषा देखें हम, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्या है, संचार से आशय, विचारों और ज्ञान आदि के विनिमय अथवा पहुंचाने से है, यानी कि क्या क्या पहुंचा रहे हैं हम, विचारों और ज्ञान का एक्सचेंज, विनिमय इज एक्सचेंज, या एक्सचेंज यानी कि देना लेना, दोनों ही चीज़ें होंगी, टू एंड फ्रो, दिया जाएगा लिया जाएगा, तो विचारों को दे भी रहे हैं और कोई ले भी रहा है विचार को, उसी से तात्पर्य है, विचार और ज्ञान दोनों चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे शब्दों, लेखों, चिन्हों के माध्यम से ये किया जा सकता है, शब्द यूज़ किए जाएंगे, आप भाषा में शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख के संप्रेषित कर रहे हैं कोई बात, लेख के माध्यम से विचार व्यक्त कर रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी एक संप्रेषण का माध्यम है, चिन्हों के माध्यम से, टेलीग्राम में चिन्हों के माध्यम से या शॉर्ट लेटर्स के माध्यम से, एनकोडिंग डिकोडिंग में, सिग्नल्स भेजने में, ट्रांसमिटर्स के थ्रू, तो उसमें सिंबल्स या चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, उसके माध्यम से भी संप्रेषण होता है। अमेरिकन प्रबंधकीय एसोसिएशन ने क्या परिभाषा दी है, कि संचार से आशय किसी ऐसे व्यवहार से है जिसका परिणाम आशय का विनिमय होता है, यानी आप सोचते क्या हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है संदेश का, उसका एक्सचेंज, उसका विनिमय ज़रूरी है, ये रिजल्ट होता है कि दोनों एक लेवल पे आ जाएं, जो बोल रहा है वक्ता और जो श्रोता सुन रहा है, वो दोनों व्यक्ति उस संदेश का अर्थ एक ही लगाएं, तभी हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ या जो संप्रेषण है वो सफल हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी परिभाषाओं से हमने जाना और समझा कि किस प्रकार से संप्रेषण होता है। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो धामा ने कहा है, क्या कहा है, कम्युनिकेशन इज एन एक्ट बाय विच अ पर्सन शेयर्स
his knowledge, feelings, ideas, information, etc. in ways that gains a common understanding of the meaning, intent and use of messages. तो वो तरीका जिस क्या है कम, एक वो क्रिया है जिसके द्वारा एक कोई व्यक्ति ज्ञान या अपने भाव भावनाएं या अपने विचार या फिर अपने जो उसके पास सूचनाएं हैं उसको बांट रहा है, उसको इस रूप में बांट रहा है कि जो संदेश वो भेज रहा है उसका जो अर्थ है, उसका जो मर्म है और जो उसका उपयोगिता है वो बराबर उसी रूप में प्राप्तकर्ता के द्वारा समझा जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो संचार श्यामाचरण दुबे ने भी कहा है कि संचार समाजीकरण का एक प्रमुख माध्यम है और संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। क्या सोशल कस्टम्स ट्रेडिशंस जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं उसको? ऑफकोर्स हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, जो रीति रिवाज की किताबें हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन सब के माध्यम से ये सब परंपराएं और संवाद एक पीढ़ी से आगे दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हैं, पहुंचती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो किताबों में नहीं होके व्यवहारिक रूप में अपनाए जाते हैं, उसके माध्यम से भी ये चीज़ें एक दूसरे से प्रसारित हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये संचार की विभिन्न परिभाषाएं हैं हमने देखा। कुछ और बातें देख लेते हैं, एक और डेविस की परिभाषा है देखें और फिर संचार क्या है उसका सार एक प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने और समझने की प्रक्रिया है। एक दूसरे के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और उसको समझने की, कि एक संदेश का एक अर्थ निकल रहा है उसे समझने की प्रक्रिया है। तो जितनी भी परिभाषाएं हमने समझी हैं उससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि संप्रेषण की सूचनाओं के आदान प्रदान की एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सूचना ग्राही उसी प्रकार से समझे जैसा कि संप्रेषक उसे समझाना चाहता है। ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो रिसेप्टर है, रिसीवर है या ऑडियंस है या श्रोता है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो वही चीज़ को समझे जो कि उसे बताया जा रहा है प्रेषक के द्वारा, संप्रेषक या कम्युनिकेटर के द्वारा, जो सेंडर है उसके द्वारा, जो कि मैसेज को शुरू कर रहा है उसके द्वारा। तो दोनों का एक अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है वरना वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो संप्रेषक का उद्देश्य सूचनानुसार कार्यवाही करना है जिसके साथ ही संप्रेषक के अंतर्गत सूचना आदान प्रदान करते समय विचारों में भावनाओं का समावेश होना भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, तो जिससे कि हमें क्लियर हो जाता है क्या है संप्रेषण है क्या। तो सारगर्भित रूप में हम कह लें तो संचार सामाजिक रूप से अनुभूतियों और सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान की ही प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति भाग लेते हैं और ये व्यक्ति एक दूसरे की सोच अभिवृत्तियों, ज्ञान और व्यवहारों से वास्तविक रूप में प्रभावित होते हैं। तो संचार में दो व्यक्तियों के ज्ञान, सूचना और अनुभवों का आदान प्रदान हो रहा है, भले ही वो दोनों एक अलग बैकग्राउंड से आएँ, एक अलग पृष्ठभूमि से आएँ, दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन, एक एक्सचेंज हो रहा है तो वो संचार है। और अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है कि मैसेज का जो अर्थ है, जो इंटेंट है, जो मर्म है, वो वही हो जो कि प्रेषक समझाना चाह रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, अर्थात संचार को सफल बनाने के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि प्रेषक और जो श्रोता है या ऑडियंस है उनके बीच में संदेश को लेके सही भाव उत्पन्न हो, सही अर्थ की पहचान हो, तो ये हो जाएगा संचार। आज की कक्षा में हमने संचार की परिभाषाओं को समझा है, अगली कक्षा में हम
कुछ इसके विशेषताएं और क्या है उसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को, और फिर आगे आपके सिलेबस में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं, वो भी जानेंगे समझेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की इस कक्षा से आपको कम्युनिकेशन या संप्रेषण का जो बेसिक कंसेप्ट है वह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।